लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करेंगे। अम्मा क्या हाल चाल है? सब भैया ऐसे है, गरीबी में जी रहे हैं हम लोग। और का गरीबी में जी रहे हैं हम लोग, क्या है, मांगते खाते हैं, लड़के बच्चे पालते हैं, खेती पाती है नहीं हम लोगों के पास, अपना मांगते खाते हैं, अपना धंधा पानी करते, वो भी 2 साल से लॉकडाउन, बहू बिटिया सब परेशान है, यही परेशानी और क्या है। नहीं, आप लोग नाच गाना करती भी हैं शायद? हाँ, नाच गाना करती हैं, डीजे पे जाती हैं बहू बिटिया, वो सब नाचती गाती हैं। आखिर आप लोग क्यों, मतलब सिर्फ नाच गाना? अब तो लोग, जमाना बदल गया है, लोगों का सोच बदल गया है, अभी भी आप लोग नाच में? इतनी महंगाई है कि सब कर्जा लेके करते हैं, इधर उधर कमाते हैं, उनको देते हैं, और कहाँ से लाएं। जब से कोरोना का कहर बरपा है, आप लोगों का मंच भी नहीं सजता होगा, तो आप लोग करते हैं? सब भगा देती, जहाँ जाती नाचने, पुलिस वाले भगा देते हैं, क्या पुलिस वाले लॉकडाउन में नाच होने देंगे? तो भी नहीं होता है कुछ, चले आते हैं ऐसे, शाम को गए सब तुरंत वापिस। तो आपका घर कैसे चलता है? ऐसे भैया मांग खाए रहे, जहाँ लग जा जुगाड़ पानी, तो घंटा खाण करी आई ना, बैठी हैं घर पर, ना कहूँ कोई। अच्छा, अगर बात किया जाए तो आप अभी, अगर जब जवान रहे होंगे तब पैसे मिलते रहे होंगे, अब तो बूढ़े हो गए, तो अब कैसे चल रहा है? नहीं, बहू बिटिया हैं, बहू बिटिया नहीं है क्या? बहू बिटिया जाती हैं प्रोग्राम करने के लिए, हम लोग थोड़े जाते हैं, नाच कर और नाच गाना करके अपना पेट पालना, बच्चे पालना, यही काम है हम लोगों का। तो कैसे चल रहा है आप लोगों की जिंदगी, किस तरीके से? मजदूरी दतूरी करते हैं सब, और कोई हिल्ला वो है नहीं, कोई ये समझ, खेती पाती है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस यही सब करते हैं। अच्छा, जो नाच गाना आप लोग करती थी, अब वो तो बंद हो गया होगा? हाँ, बंद हो गया है, नहीं ज़्यादा नहीं, कोई नहीं जाता है, हल्का फुल्का किसी को मिल गया तो चला गया, ना ऐसे मजदूरी दतूरी सब करते हैं, सब खाते कमाते हैं, सब क्या करें, मरे जा रहे 2 साल से। एक बार चलने दीजिए, सरकार तक बात पहुँचने दीजिए, अभी तक कोई पहुँचाया आपकी आवाज़? नहीं पहुँचाया ना, पैसे लगे लाले समय, खेती पाती वो नहीं, मैं मजदूरी वो नहीं लगती, समझ ले 10 साल से बीमारी में परेशान हम लोग हैं, एक पैसे को लाभ नहीं मिलती है, बताओ बच्चे क्या कैसे शादी ब्याह लेकिन करने से, तो पैसे ठिकाना कहीं नहीं है, उन्हें कहीं कोई लाभ नहीं मिलती हम लोग से, कोई सहायता नहीं, सरकारी कोई लाभ, कोई सरकारी एक में पैसे का लाभ नहीं मिली उन्हें, कोई प्रकार के लाभ हमें लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं मिला? सिलेंडर तो मिला है, सिलेंडर मिला, बाकी हमें कोई योजना नहीं मिली। खेती में पैसा होगी नहीं? खेती है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? मतलब हुआ है तो वो भी हमारा खाते में पैसा नहीं आया, जाने फार्म भरा वो भी नहीं, आप फार्म भरते लगाते हैं तो वो दब जाता था, कोई सूचना नहीं आती है, मतलब कोई प्रकार के हम लोगों को लाभ नहीं मिलती है, सरकारी से कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिलती, जाने की कोई मतलब परेशानी या दिक्कत है तो कोई लाभ मिले, कोई लाभ नहीं मिलती। मोदी कायदा भैया रोकी, 5 किलो राशन में 35 बच्चा है, 5 किलो राशन में का हुई है बता, वो तो एक दिन एक टाइम के रहता है, जब 35 बच्चा है तो एक टाइम के रहता दाल चलिए है, सही बात है। सरकार दे तो सब कुछ रही तो ना करे ना दे, लेकिन 5 किलो हमारे घर में हुई है, का 35 आदमी है मजदूरी कर रहे हैं ना, रुका करिए तो मजदूरी करने लगी है, अब मजदूरी कर भैया करिए ना, लड़का बच्चन दिए ना कैसे, मजूरी ना करें तो लड़का बच्चा कहाँ जाइए, अब भैया जाइमा काम मिले, तो पहले जब नाच करती थे पैसा ज्यादा आता था, अब तो मजदूरी में पैसा 500 रुपया मिली है, तो कैसे चलिए घर, अब तुमका मालूम ही है। अब जब नाच गाना बंद है तो काम सरकार के ऊपर थोड़ी ना हम लोग ही चाहिए, कानून तो कानून है, जब भाई कानून सबके लिए तो हम लोग ने लिए है, कोई सरकार से ऊपर तो बढ़ के हम लोग ना चाहिए, बीमारी तो बस बंद। हालात अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ बहुत सारे दावे हैं उनके, लेकिन तो जो निकल कर सामने आया आप लोगों ने सुना, अंत तक देखते रहें और जुड़े रहें 24 तक न्यूज़ में। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ़ लखनऊ।